दूसरा निर्णय, क्योंकि किसान के पास पशुपालन का भी काम होता है, तो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंतर्गत एक सब स्कीम, ये हमारे पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इसमें एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि जो हमारे पैक एनिमल्स होते हैं, यानी कि भारवाही पशु जैसे कि घोड़े, ऊंट, गधा, खच्चर आदि की संख्या देश भर में घट रही है और देसी नस्ल की कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं, तो इसलिए पशुधन एवं पोल्ट्री की प्रोडक्टिविटी में सुधार लाने के लिए तथा फॉडर और फीड की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत ब्रीड इम्प्रूवमेंट, नस्ल को सुधार करने के लिए ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बनाने का काम हो रहा है, अच्छी क्वालिटी के फॉडर के सीड प्रोडक्शन और सर्टिफिकेशन संबंधी कार्य किए जा रहे हैं और इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स के रूप में कोई व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, फार्मर्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सबको 50% कैपिटल सब्सिडी इसका प्रावधान दिया गया है और जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये रखी गई है। इसके अतिरिक्त पशुधन का इंश्योरेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट